Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Dear all B4U members, B4U family. एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ के साथ और न्यूज़ एक न्यू इन्फॉर्मेशन के हवाले से है और साथ ही आपको बताऊंगा कि आप उस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त आपके सामने एक अकाउंट ओपन है जो कि बिल्कुल न्यू अकाउंट है। इन्वेस्टेड अमाउंट इसमें ज़ीरो है, विड्रावल अभी नहीं हुआ, प्रॉफिट बोनस पार्टनर यानी सब कुछ बिल्कुल अभी अपग्रेड नहीं है, 0% है, क्योंकि इसमें नो इन्वेस्टमेंट, नो वर्किंग, नो पार्टनर, नो विड्रावल है। अब सबसे पहले तो ये है कि बहुत सारे लोगों को अपना अकाउंट में पोर्टफोलियो क्रिएट करने का नहीं पता कि हम पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करें। आप सबसे पहला स्टेप जो है, कम से कम ये आप खुद कर सकते हैं। जैसे इस अकाउंट को मैंने 5 लाख रुपए से एक्टिव करना है, तो तमाम दोस्तों को पता है कि हमारे जो भी रेट्स हैं डॉलर्स के, जो भी रेट्स हैं वो एक्सी करेंसी कन्वर्टर के मुताबिक हैं, जिसको एक्सी भी कहते हैं और जी करेंसी कन्वर्टर भी कहते हैं। अब आपने क्या करना है, एक्सी को यूज़ कैसे करना है। इस वक्त ये आपके पास एक्सी करेंसी कन्वर्टर ओपन है। अब क्योंकि पाकिस्तानी रुपए आपको मिले हैं, तो आपने पीकेआर को क्लिक करना है। पीकेआर सबसे टॉप पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आपने 5 लाख लिखना है। जो भी आपकी प्राइस है, जो आपने अमाउंट लगानी है, वो आपने अमाउंट यहाँ पर लिख देनी है। अब देखिए यहाँ पर 5 लाख लिखा गया है। अब डन को क्लिक करें तो आपके सामने यहाँ पे डॉलर शो हो रहे हैं, 4039 डॉलर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास शो हो रहे हैं 0.83, तो मैं इसको कर रहा हूँ 4040 यानी 4040 डॉलर, 4040 डॉलर। अब आप दोबारा उस सिस्टम में जाएंगे, आपने यहाँ पे क्या करना है, एक तो US डॉलर को क्लिक करना है, फिर आपने अमाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने 4040 लिख दी, यानी आपकी 5 लाख का आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास कंपनी की तरफ से एक ऑप्शन ओपन हो जाता है, ये वाला। अब देखें, जो आपको गुड न्यूज़ बता रहा हूँ वो यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा होगा। ये पेपाल एडवोकैश के डाउन में आप देखें बैंक डिटेल्स लिखी हुई हैं। इसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया और कम्बोडिया, यानी जहाँ जहाँ हमारी कंपनी के बैंक अकाउंट जिस जिस कंट्री में अवेलेबल हैं उन कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं। और ये सिर्फ नाम नहीं है, आप उसमें से देख सकते हैं कि उस कंट्री में, जिस कंट्री में आप मौजूद हैं, जिस कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिस कंट्री का आप बैंक अकाउंट यूज़ करना चाह रहे हैं, उसकी डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी। अब देखें, जैसे हम पाकिस्तान में हैं तो हमने पाकिस्तान को क्लिक कर दिया। और यहाँ पर देखें, कंपनी के 3 बैंक अकाउंट हैं इस वक्त, बैंक अल हबीब लिमिटेड, मीज़ान बैंक, अल्फला बैंक। क्योंकि अक्सर लोग हमसे बैंक अकाउंट मांगते हैं और कुछ लोग ये हैं कि वो ट्रस्ट नहीं करते कि यार ये किसी और मेंबर का ना सेंड कर रहा हो, तो कंपनी ने अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पे ऑफिशियली तौर पे ये बैंक अकाउंट प्रोवाइड कर दिए हैं। जो भी मेंबर जहाँ से भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसी के ज़रिए से नीचे आप जाते हैं तो मलेशिया का बैंक अकाउंट है, इंडोनेशिया का है, कम्बोडिया का है, ये सारे बैंक अकाउंट हैं। आप जिस भी कंट्री में होते हैं आप उसके ज़रिए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप पोर्टफोलियो क्रिएट किया, बैंक अकाउंट आपके सामने आए, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की और आप उसको क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं वो कंपनी को आप मेल कर दें, और जो आपने पोर्टफोलियो अपना क्रिएट किया हुआ था, ये देखें डाउन में आप जाएंगे वहाँ पर आपको सेव नज़र आएगा ये वाला, ये पोर्टफोलियो भी आप कंपनी को या तो सेंड कर दें या जस्ट अपनी ID शेयर करें, तो कंपनी आपकी जो इन्वेस्ट की हुई रकम है उसको देखते हुए, वेरीफाई करते हुए आपका ये पोर्टफोलियो सिर्फ अप्रूव करेगी। इस तरीके से आपका जो अकाउंट है वो जल्दी एक्टिव हो जाएगा।